आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप फ़ोन के डायलर में किस तरह से कोई भी एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने डायलर ओपन कर लिया है और जैसे ही डायलर में कोड में डालता हूँ तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड डालने के बाद तुरंत ये हिडन ऐप हमारे सामने इस तरह से आ जाते हैं। अब दोस्त यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं लेकिन और दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, केवल आप ही देख पाओगे आपका यदि डायलर कोड आपको पता है केवल। तो दोस्त इस तरह से आप भी हाइड कर पाओगे। कैसे हाइड करना, चलिए हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप सेटिंग। आप बहुत आसानी से कर पाएंगे चीज़ों को, बहुत आसान है। क्या करना है वो चलिए आपको दिखाते हैं। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में यहाँ से आ जाना है, चले जाना है, या फिर दोस्त आपको यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल जाएगा सेटिंग का, उस पर क्लिक करके चले जाना है। यहाँ पर आ जाना है आपको। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हैं ऐप्स के नीचे पासवर्ड सिक्योरिटी, उसके नीचे मिलता है प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी का ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, हो सकता है आपके फ़ोन में इस तरह से प्राइवेसी ऑप्शन डायरेक्ट ना मिले, ठीक है। तो सर्च कर लीजिएगा, सेटिंग ऑप्शन में सर्च करने के लिए रहता है। तो मैं इस पर ही क्लिक कर लेता हूँ। प्राइवेसी में जैसे क्लिक करता हूँ तो परमिशन मिलता है, परमिशन के बगल में प्राइवेसी है, प्राइवेसी में मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे डायलर पे हाइड करने के लिए डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको मैं बताऊँगा क्या करना है। पहले हाइड करना होता है, उसके बाद आपको डायलर में उसे ले जाना होता है। तो कैसे ले जाना है, किस तरह से कोड बनाना है डायलर के लिए, वो चीज़ अभी आप सीख जाएंगे। पहले मैं इसको आपको हाइड करना दिखाता हूँ, उसके बाद हाइड करके ही आप वहाँ पर ही आपको स्टेप मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हाइड ऐप पर क्लिक करूँगा और जैसे हाइड ऐप पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने आता है कि आप किन किन एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो। जैसे मैं फेसबुक को हाइड करना चाहूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट अ प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, इस तरह से आपको भी आएगा कि आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड को पहले सेट करिए। तो यदि आप कोई भी एप्लीकेशन में क्लिक कर लीजिए ना, आप कोई भी एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पर जाता हूँ और एक प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पर आप जस्ट इस तरह से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाता है फादर्स टीचर नेम। दोस्त ये आपको ये बस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, तो आप डाल दीजिए जो भी आपके पिता का नाम हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप कुछ और डाल सकते हैं जो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था। यहाँ पे आप सही के टिक पर क्लिक कर दीजिए और रिकवरी मेल भी डाल सकते हैं। दोस्त ये काम तब आएगा जब आप पासवर्ड भूल जाते हैं बाई चांस गलती से कभी, तो यहाँ पर ये मेल आपको रिकवर करने में आपको मदद करेगी पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सही का टिक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर करता हूँ तो सेट एक्सेस कोड अब आ रहा है। अब दोस्त इस एक्सेस कोड को आपको सेट करना ही होता है ना। एक्सेस कोड सेट करने के लिए आपको सेटिंग पर ही क्लिक करना होता है दोबारा। आप सेट एक्सेस कोड पर जैसे ही आपको बोलेगा, खुद ये बोलेगा, तो यही दोस्त आपको इस तरह से हैच और देख सकते हैं 40 फिर हैच लगा है। तो आपको जरूरी नहीं है कि 40 ही लगाना है, आपको हैच के साथ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से और हैच लगा देना। दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं ये डायलर के लिए कोड जनरेट हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि हाइड ऐप में आप जाएंगे और उस पर सेटिंग क्या क्या करनी है, और मैंने बताया आपको कोड बनाना हाइड ऐप के लिए। उसके बाद देख सकते हैं खुद अपने आप ही रिकमेंड करता है कि डायलर के लिए भी कोड बनाइए। डायलर के लिए हमने कोड जनरेट कर दिया है। सही के टिक पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डन पर क्लिक कर दूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पर ये जो फेसबुक एप्लीकेशन है ये हमारे होम स्क्रीन से हाइड हो चुका है और हाइड होने के साथ साथ ये डायलर में चला गया है, क्योंकि हमने अपने हाइड ऐप के लिए भी कोड जनरेट किया था और हम अपने डायलर के लिए भी हमने कर दिया है कोड जनरेट। दोस्त मान लीजिए यदि आपका फेसबुक ये डायलर में नहीं जा रहा ना, तो आप यहाँ पर हाइड तो हो गया है, अब आपको क्या करना है, आपको सेटिंग पे जस्ट क्लिक करना है। देख सकते हैं चेंज एक्सेस कोड है, तो चेंज एक्सेस कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्त आपको चेंज एक्सेस कोड में यहाँ पर हैच 1 2 3 4 5 6 और हैच इस तरह से डाल देंगे, या फिर आपको और कुछ डालना है तो यहाँ पर 5 6 7 हैच डाल देंगे और इस तरह सही के टुक में क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा वहाँ पर फेसबुक आपका डायलर में नहीं जा रहा तो ये कोड डालने पर, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और इस तरह से मैं बैक कर देता हूँ और यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर डायलर में देखिए, मैं डायलर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से इस कोड को हटा देता हूँ पहले और डायलर ओपन करूँगा। अब यहाँ पर जो मैंने कोड बनाया था वही इस कोड को डालूँगा, हैच 1 2 3 4 5 6 7 हैच। तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक यहाँ पर हाइड है डायलर में। इसी तरह से आप भी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने हर एक सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप दिखाया है पहले क्या करना। देख सकते हैं सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद इस प्राइवेसी ऑप्शन में जाएंगे, हाइड ऐप में जाएंगे, आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा तो पासवर्ड सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को आप जैसे ही हाइड करने के लिए जाओगे तो आपको डायरेक्ट सेटिंग में भेजेगा। यदि आपका यहाँ पर दोस्त मैंने आपको बताया था कि यदि आपका एक्सेस कोड यानी डायलर का कोड जनरेट नहीं होगा तो दोस्त यहाँ पर आपको सेटिंग आएगी, एक सेटिंग में क्लिक करोगे तो वो आपको डायलर का कोड एक्सेस पाने के लिए आपको सेट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायलर का कोड भी जनरेट कर लिया है और यदि आपका नहीं हुआ है तो आप सेटिंग में जाएंगे और चेंज एक्सेस कोड पर क्लिक करके
आप यहाँ पर एक्सेस कोड अपना बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बना सकते हैं, हैच से शुरू करेंगे और हैच में अंत करेंगे और बीच में कोई भी चार संख्या आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने हर एक सेटिंग को आपको बारीकी से बताया है और देख सकते हैं गूगल फाइल भी इस बार डायलर में जा चुकी है। यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ और इसे अगर मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं 3 4 5 6 7 और हैच पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं गूगल फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। सो फ्रेंड इस तरह से आप जो है एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं, डायलर में हाइड कर सकते हैं। कंप्लीट सेटिंग A to Z सेटिंग मैंने आपको दिखाया है। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।